बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 28 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हमें गिवन है, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। ठीक है, मतलब कि हमें एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 8। ये एक हमें पॉइंट गिवन है और साथ में हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वो इक्वेशन है 2x-3y+6=0। ठीक है, एक हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है और साथ में एक पॉइंट हमें गिवन है। हमें कहा गया है, लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ए बी लाइन, जो जो भी मर्जी इसका नाम दे दिया जाए। तो इस लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है, तो इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, 2x-3y+6=0 के ये इक्वेशन इस लाइन को प्रेजेंट कर रही है। तो हमें कहा यह गया है कि ये जो पॉइंट है 5, 8, हमने ये चेक करना है ये पॉइंट इस लाइन से ऊपर लाई करता है या इस लाइन से नीचे लाई करता है। ठीक है, तो इसको चेक करने का हमारे पास एक मेथड है कि सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स, ठीक है, ये एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। अगर ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को मैं इसमें पुट कर दूं, सही, तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि किस तरह से हम देखेंगे कि ये ऊपर लाई करता है लाइन से या फिर बिलो लाइन करता है। तो पहले हम पुट करते हैं, सबसे पहले 2 × एक्स की जगह क्या है 5 और -3 × वाई, वाई क्या है 8, सही, +6। ठीक, अच्छा, लेफ्ट साइड में मैंने पुट कर दिया एक्स की वैल्यू एक्स की जगह और वाई की वैल्यू वाई की जगह, तो यहाँ पर अब बन गया 10-24+6। अच्छा, ये इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 10+6=16, 16-24 ये बन जाएगा -8। ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा -8। ये मैंने क्या किया, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यानी कि जो हमें इक्वेशन गिवन थी लाइन की, उसमें हमने x और y कोऑर्डिनेट्स जो है, जो पॉइंट हमें गिवन था, उसके x और y कोऑर्डिनेट्स हमने x और y की जगह इक्वेशन में पुट कर दिए, और पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया -8। ठीक है, अब -8 हमने चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, अब 8 के साथ साइन कौन सा है, माइनस। ठीक है, अब हम जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसमें y के जो है कॉफिशेंट है उसका साइन क्या है, माइनस। ठीक है, हमने इन साइंस को चेक करना होगा। ठीक है, जो हमने एक तो पॉइंट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका साइन, और उसको कंपेयर करना है किसके साथ, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसके y कोऑर्डिनेट, जो y का जो y वेरिएबल है उसके कॉफिशेंट का साइन। अगर तो सेम है तो उसका क्या मतलब होगा कि पॉइंट लाइन से ऊपर लाएगा रहे, ठीक है, अबव द लाइन, सही। अगर तो ये डिफरेंट साइन होते तो उसका मतलब होता कि पॉइंट नीचे लाएगा रहे, ठीक है, मतलब कि ये +8 अगर होता या प्लस कुछ भी वैल्यू होती, ठीक है, साइन हमने खाली देखने हैं। अगर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है और वाई का जो कॉफिशेंट है वो भी नेगेटिव है, तो दोनों सेम साइंस हो गए, सेम साइंस पे क्या होगा कि अबव द लाइन, सही है। तो अगर डिफरेंट साइंस हो, मतलब ये प्लस हो ये माइनस हो या फिर ये प्लस हो ये माइनस हो, तो फिर क्या होगा, वो बिलो द लाइन हो जाएगा, और ये दोनों प्लस हो या माइनस हो उसका मतलब है अबव द लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चेक किया, हम कह सकते हैं कि बिकॉज द रिजल्टिंग साइन इज नेगेटिव एंड द साइन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ वाई इन द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो बोथ साइंस आर सेम, दस, तो क्या होगा,
डज पॉइंट लाइज अबव द लाइन, अबव द गिवन लाइन, सही। मतलब के सेम साइंस हैं, हमने एक तो y के कोफिशियंट का साइन देखा और साथ में जो रिजल्टिंग जो x और y की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास है उसका साइन हमने देखा, उन दोनों को कंपेयर किया। अगर तो वो सेम है तो मतलब के पॉइंट लाई कर रहा है अबव द लाइन, और अगर डिफरेंट है तो उसका मतलब है कि बिलो द लाइन, ठीक है। इस केस में जो है सेम साइंस थे तो इस वजह से हमने कहा कि द पॉइंट लाइज ऑन द अबव द गिवन लाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से पार्ट बी है इसका, पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में क्या है, हमें एक और पॉइंट गिवन है, ठीक है, -7.6, और साथ में एक इक्वेशन गिवन है लाइन की, 4x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, सही। अब हमने इस लाइन पे चेक करना है कि ये पॉइंट अबव द लाइन है, इस लाइन के ऊपर है या इस लाइन के नीचे है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन 4x + 3y - 9 है इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन इस लाइन को प्रेजेंट कर रही है, तो हमने इस पॉइंट को चेक करना है -7.6 को कि ये इसके अबव लाई कर रहा है या बिलो लाई कर रहा है, उसी तरह जिस तरह हमने पार्ट ए हमने किया है, ठीक है, उसी तरह हम चेक करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले तो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के इस इक्वेशन में पुट करने हैं, ठीक है। एक्स जो है वो -7 है और वाई जो है वो 6 है। अच्छा, अब इसमें पुट कर देते हैं 4 × x, x की जगह -7 आ जाएगा, +3 × y, y की जगह 6 आ गया, -9 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा -28 + 18 - 9 इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ हमने लेफ्ट साइड पे जो है पुट करना है वैल्यूज, तो ये बन जाएगा -28 + 18 - 9 बन जाएगा -19, ठीक। अच्छा, अब इसका ये रिजल्टिंग वैल्यू है, ठीक है, जो कि x और y की वैल्यूज पुट पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स पुट करने के बाद हमारे पास आया, ठीक है। इसका साइन जो है वो नेगेटिव है। अब हम दोबारा से अपनी इक्वेशन पे आएंगे, जो हमें गिवन इक्वेशन थी लाइन की, उसमें y का कोफिशियंट उसकी जो, उसका जो साइन है वो प्लस है, ठीक है, वो चेक करेंगे क्या है, प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। मतलब के दोनों डिफरेंट साइंस हैं, तो डिफरेंट साइन के केस में मैंने क्या कहा था कि बिलो द लाइन, पॉइंट इज लाइंग बिलो द लाइन, मतलब के लाइन से नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। बिकॉज द पॉइंट, बिकॉज द साइंस लाइंग, बिकॉज द साइंस आर डिफरेंट या ऑपोजिट, दस द पॉइंट लाइज बिलो द लाइन, सही। मतलब के अब इसमें हम कह सकते हैं, दो पॉइंट्स बनते हैं कि इफ साइन ऑफ रिजल्टिंग वैल्यू एंड द साइन ऑफ कोफिशियंट ऑफ वाई, कोफिशियंट ऑफ वाई इन द इक्वेशन आर सेम, देन द पॉइंट विल बी, देन द पॉइंट विल बी लाइंग अबव द लाइन, ठीक है। सेम के केस में क्या था, अबव द लाइन, इसी तरह से इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है, कि इफ इफ द साइंस ऑफ रिजल्टिंग वैल्यू एंड द साइन ऑफ कोफिशियंट ऑफ वाई इन इक्वेशन आर डिफरेंट, देन फिर क्या होगा, जब दो साइंस आपस में वो उनके डिफरेंट होंगे तो द पॉइंट विल बी लाइंग
बिलो द लाइन, ठीक है। ये दो रिजल्ट्स हमारे पास सामने आते हैं। इन दोनों को हमने चेक करते हुए हमने पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है लाइन से, अबव लाई कर रहा है या फिर बिलो लाई कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 में जो है, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें कहा है चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम और द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। उसी तरह से हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 29 में के एक तो हाँ, पहले तो हमें 28 में एक पॉइंट गिवन होता था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो पॉइंट गिवन, 0.0 एंड दूसरा पॉइंट हमें गिवन है -4.7, सही है। ए पार्ट में कर रहा हूँ इसका, सही। इसमें क्या है कि हाँ, साथ में एक और इक्वेशन जो है, लाइन की इक्वेशन गिवन है 5x-7y+70=0, सही है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं या फिर ऑपोजिट साइड से, मतलब कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 5x-7y+70, सही। तो अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं दोनों ऊपर लाई कर रहे हैं या नीचे लाए कर रहे हैं, इस केस में क्या होता है कि सेम साइड पे लाए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दोनों पॉइंट्स एक ऊपर लाए कर रहा है, सही है, यूं ऊपर लाए कर रहा है और दूसरा पॉइंट नीचे लाए कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो उसी तरह से हम चेक करेंगे, पॉइंट को पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि अबव है या बिलो है, सही है। तो फिर दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, फिर देखेंगे अबव है या बिलो है, तो अगर तो एक अबव आता है दूसरा बिलो आता है, मतलब के डिफरेंट साइड्स पे लाई कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों अबव आते हैं तो उसका मतलब है सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, अगर दोनों बिलो आते हैं, बिलो द लाइन आते हैं, तो उसका मतलब है फिर भी सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के दोनों पार्ट्स आप खुद इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 28 किया, बस इसमें दो पार्ट्स गिवन है, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट हमें गिवन है, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -1, सही है, टू द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 6x-4y+9=0, ठीक है। ये क्या है, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये क्या है, पॉइंट, सही। एक हमें पॉइंट गिवन है और एक हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, मतलब कि एक पॉइंट ये है, ये पी पॉइंट है, ठीक है, और साथ में एक लाइन है ये, लेट्स सपोज ये लाइन जो है इस इक्वेशन को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है, एग्जैक्ट वही तो लाइन नहीं है, एक्स वाई एक्सिस में ड्रॉ करके हम देख सकते हैं कि ये लाइन कहाँ पर लाई कर रही है, लेकिन समझने के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये वो लाइन है जो इस इक्वेशन से बनती है, ठीक है। तो इसके साथ में लिख देता हूँ 6x-4y+9=0, ठीक है, ये लाइन है और ये वाला पॉइंट जो है 6, -1। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, ठीक है, जो कि वो डिस्टेंस ये बनता है, ये डिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू पी से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट और इसका मॉड। अच्छा, अब इसमें क्या है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और एक्स वन क्या है और वाई वन क्या है, ये हम देखते हैं, ठीक है। ए जो है वो है कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है, क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन, मतलब कि ये हमें इक्वेशन गिवन है, सही है, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 6, तो यहां पर a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6, ठीक, मैंने ये लिख दिया कि a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है,
इन इक्वेशन, जो हमें गिवन इक्वेशन है लाइन की, उसमें एक्स का जो कॉफिशेंट है वो ए की वैल्यू है, सही है। उसके बाद बी क्या है, बी जो है, बी है वाई का कॉफिशेंट, ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ वाई इन इक्वेशन, सही। तो इस इक्वेशन में वाई का कॉफिशेंट क्या है, वाई ये है, इसका कॉफिशेंट क्या है, माइनस फोर, तो बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस फोर, सही है। इसी तरह से अब हम सी को देखें, सी क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट, सही। अच्छा सी कांस्टेंट है, अब सी जो है इक्वेशन में कांस्टेंट इन इक्वेशन, अच्छा मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, कांस्टेंट इन इक्वेशन मतलब के इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा है, नाइन है, ठीक है, नाइन कांस्टेंट है, बाकी तो वेरिएबल्स के साथ हैं, सही। तो सी की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू नाइन। अब इसी तरह से अब बाकी चीजें हम देखते हैं, एक्स वन और वाई वन क्या है, ये है एक्स वन, सही है। तो एक्स वन क्या चीज है, एक्स वन है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब कि जो हमें पॉइंट गिवन है उसमें एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन है, ठीक है। तो इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सिक्स, तो मतलब कि एक्स वन इज इक्वल टू क्या है, एक्स वन की वैल्यू है सिक्स, सही। इसी तरह से वाई वन देखते हैं, वाई वन क्या है, जिस तरह से एक्स वन एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई वन क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट किसका, ऑफ पॉइंट, सही। तो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कहां पे है जी, ये पॉइंट है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन है, मतलब कि वाई वन की वैल्यू क्या हुई, इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये चीजें हमारे पास आ गई, ये भी ए वही चीज है, ठीक है, जो ऊपर है, और बी उसका स्क्वायर सिंपल लिया हुआ बी का। तो ये चीजें, ये फार्मूला है किस चीज का, एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। चलें हम, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये आप फाइंड करें, ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं ये फार्मूला यूज करते हुए। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, ए है सिक्स, एक्स वन की वैल्यू है सिक्स प्लस बी, बी की वैल्यू है माइनस फोर, और वाई वन, वाई वन की वैल्यू है माइनस वन प्लस सी, सी की वैल्यू है नाइन, इसका मॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ए, ए की वैल्यू, ए का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा सिक्स का स्क्वायर प्लस बी, बी का स्क्वायर है, बी जो है माइनस फोर है, माइनस फोर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये बन गया। अब सिंपली इसको हमने सॉल्व करना है, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स प्लस फोर प्लस नाइन डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन का स्क्वायर रूट, सही। अच्छा थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी, फोर्टी प्लस नाइन फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय अंडर रूट फिफ्टी टू, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास डिस्टेंस उस पॉइंट का उस लाइन के साथ, सही। ये 49 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 52। अच्छा अब ये मॉड क्या था, अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आता, ठीक है, प्लस करने के बाद कोई कोई भी रिजल्ट इसका जो है नेगेटिव आता, तो हम क्या करते, उसको पॉजिटिव बना देते, मॉड ये करता है, ठीक है, क्योंकि ये हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना एक पॉइंट का एक लाइन के साथ, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सही है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम 31 और 32 पढ़ेंगे, सही। अब ये हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, एक पॉइंट का और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, दूसरा हमने पॉइंट्स चेक किए कि
पिछले क्वेश्चन में कि पॉइंट्स जो हैं वो लाइन से अबव लाई कर रहे हैं या बिलो लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है।